तो हेलो गैस, तोहिद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है मुंगेर का सोजी घाट, दिखाता हूँ आपको, जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत लोग यहाँ आते हैं। तो देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, नहीं नज़र आ रहा तो मैं फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ आपको। चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर का सोजी घाट। तो फाइनली आ गए हैं हम लोग सोजी घाट। तो चलिए आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ कि क्या है नहीं है। चलिए अब ये देखिए ऊपर का नज़ारा, जो आपको बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं, उनके नीचे लोग गंगा स्नान करते हैं। और गंगा स्नान करने के बाद बगल में ही मंदिर है, ये देखिए दिख रहा होगा बगल में मंदिर, बगल में मंदिर। गंगा स्नान करने के बाद यहाँ लोग जाके पूजा करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आगे का वीडियो क्या है नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए गंगा स्नान कर रहे हैं लोग, गंगा स्नान करने के बाद पूजा करने जाएंगे। और यहाँ पे दायां साइड में डॉल्फिन पार्क है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा अभी, क्योंकि ये अभी बंद है। तो जब खुलेगा तब मैं बताऊंगा इस पार्क में क्या है नहीं है। जब तक देखिए गंगा बहुत ही काफ़ी बड़ा गंगा है। जैसा कि इस पार्क के बारे में आपको बताया था मैं कि अलग से इसका वीडियो बनाऊँगा जब खुलेगा, तो फ़िलहाल ये अभी पार्क नहीं खुलने वाला है, क्योंकि गंगा में पानी आने के कारण ये जो है डॉल्फिन पार्क बंद कर दिया गया है। तो अभी तो फ़िलहाल खुलने वाला नहीं है, फ़िलहाल कभी भी खुले तो इस पार्क के बारे में बताऊंगा ज़रूर मैं। फ़िलहाल इस पार्क में कुछ नहीं है, तो मैं बता दूं आप लोग को, ये पार्क जो आपको दिख रहा है सामने, अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो इस पार्क में इसका टिकट शायद 5 रुपया है। तो इस पार्क में आप बैठिए और इत्मीनान से इंजॉय करिए और गंगा देखिए। बस जो अभी दिख रहा है सामने यही सब कुछ है, बस अंदर का नज़ारा है, बच्चे लोग झूला वगैरह झूलते हैं अंदर। और ये सब देखिए यही सब खूबसूरत चीज़ है, बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, और कुछ नहीं है इस पार्क में। बाकी ये देखिए गंगा है, बहुत ही काफ़ी बड़ा गंगा है, ये देखिए नाव चल रहा है। तो ये स्थान है बिहार के मुंगेर ज़िले में है। तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले मुंगेर आना पड़ेगा, मुंगेर आने के बाद आपको किला आना पड़ेगा, किला के आने के बाद 2 मिनट का रास्ता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों लोग के पास। अगर हमारे चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।